हेलो कोडर्स वेलकम टू जीरो टू प्रो माई नेम इज सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटेस्ट सी का सेकंड चैप्टर जैसा कि आपको पता ही है कि हम ये सीरीज स्टार्ट करी हमने जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि लेटेस्ट सी के जो चैप्टर्स हैं एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था तो अब आप इससे फॉलो कर सकते हैं हम इसमें सेकेंड चैप्टर को कवर करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का नेम क्या है सी इंस्ट्रक्शन तो देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है क्या क्या चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करेंगे तो पहली पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम इंस्ट्रक्शंस के प्रकार के बारे में देखेंगे टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन आरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको भी हम कवर करेंगे एंड टाइप कन्वर्जन असाइनमेंट हायर ऑफ ऑपरेशन एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स एंड एट लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी और हाँ इसी के साथ मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी अलग से एक समी जो की लेटेस्ट सी बुक में हमें चैप्टर खत्म होने के बाद दी गई होती है तो वो भी हमने इसमें वीडियो में एड किया है तो स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ तो थॉट ये है आज का गो आफ्टर योर ड्रीम्स नॉट पीपल अपने सपनों के पीछे जाओ लोगों के नहीं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा कि आपको पता ही है कि जो प्रोग्राम होता है वो है क्या वॉट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम अगर मैं आपसे पूछूं तो योर आंसर विल बी दैट डेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट प्रोग्राम में क्या होता है काफी इंस्ट्रक्शन होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे ही तो हम प्रोग्राम बोलते हैं तो हर एक इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ काम होता है हर एक इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ कमांड दे रहा होता है कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कमांड सॉरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं तो अब जो इंस्ट्रक्शन है उनकी अगर बात करी जाए तो उनको बेसिकली थ्री टाइप्स में थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती है उनकी थ्री कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया गया है तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं फर्स्ट वन इज टाइप डिक्लेरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम कुछ डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी अबाउट वेरिएबल्स एंड दिस इज अरिथमेटिक जहाँ पे हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे और ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिक्लेयर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। आपने देखा होगा हमने जब प्रोग्राम बनाया था सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तो हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर uh, करे थे है ना उसमें कुछ टाइप लिखा था इंटर इंट वेरिएबल नेम एंड वैल्यू तो जो भी प्रोग्राम uh, में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं उनके टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं सेकेंड इज आरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन तो वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है जा, अरिथमेटिक ऑपरेशन हम किस पे पर परफॉर्म कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंट्स पे एंड वेरिएबल्स पे कंट्रोल नाम से कि कुछ कंट्रोल होने की बात हो रही है तो नॉर्मली अगर हम अपने प्रोग्राम की बात करें तो जिस ऑर्डर में जो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हैं ये इंस्ट्रक्शन हमें सी प्रोग्राम के जो विभिन्न स्टेटमेंट्स हैं उनके सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने में जाते हैं कि जो सीक्वेंस है उसको किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है उसमें हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं Any variable used in program must be declared before it is used in any statement. आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल हमें यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है प्रोग्राम में तो उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं उनको डिक्लेयर करने के नाम से पता चला कर रहे हैं हम वेरिएबल्स को तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक int टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी जिसका नेम क्या है नंबर राइट right? वेरिएबल का नेम क्या है नंबर और उसका अगर डेटा टाइप की बात करें तो वो है इंटीजर यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने नाम दिया बैलेंस अब आप सोच रहे ये क्या है इतनी सारी देखते रहिए ये आप भी आपको सारी चीजें एकदम से समझ में आने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए ये डेटा टाइप का नेम था ये भी डेटा टाइप का नेम था और ये वेरिएबल का नेम था बहुत ही ईजी है अब तो आपको समझ में आ गया आ गया होगा क्योंकि तो हमने पहले भी प्रोग्राम भी लिखा ही है तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हम पहले डेटा टाइप का नेम लिखते हैं उसके बाद वेरिएबल का जो भी नेम हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने नंबर बैलेंस ये सब दिया है अगर यहाँ पे हम देखे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला वो क्या कि हमने केयर टाइप तो चलो डेटा टाइप होगा केयर तो के कैरेक्टर टाइप का हम वेरिएबल बना रहे हैं और ये एक वेरिएबल का नेम हो गया और हमने कॉमा लगा के एक कोड वेरिएबल भी बना लिया इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए हमें एक जैसे ही एक डेटा टाइप के ही दो तीन चार वेरिएबल बनाने हैं तो हम इस तरह से कॉमा से सेपरेट करके उनके नेम्स लिख सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि केयर केयर नेम लिखें लिखें फिर हम कोड दिस इज नॉट नेसेसरी हम क्या कर सकते हैं कि हमने केयर टाइप के हमें दो वेरिएबल चाहिए तो हम एक ही लाइन में उनको कॉमा लगा के ये देख रहे हैं कॉमा लगा के और वेरिएबल के नेम को अलग अलग लिख सकते हैं तो हमारे दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अगली चीज देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने int टाइप का वेरिएबल बनाया एक आई और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 10 और यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया जे जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 25। तो ये ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम डिक्लेयर करने के साथ साथ उस वेरिएबल में कोई वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और साथ ही अगर हमें दो से ज्यादा वेरिएबल दो एक से ज्यादा वेरिएबल हमें डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करने हैं तो हमें इस तरह से लिख सकते हैं कॉमा लगा के हाँ एक टर्म अभी मैंने यूज किया इनिशियलाइज तो इसका मतलब भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर आप पहली लाइन को देखें दूसरी लाइन को देखें थर्ड लाइन को देखें तो यहाँ पे हमने केवल डेटा टाइप लिखा है और वेरिएबल नेम लिखा है इसका मतलब है कि हमने वेरिएबल नेम बनाया लेकिन अभी अभी हमने इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की मतलब हमने केवल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है यहाँ पे ऊपर वाले स्टेटमेंट्स में हमने क्या किया है डिक्लेयर किया है ओके okay? डिक्लेयर और अगर यहाँ की बात करें तो हमने वैल्यू भी Assign कर दी। इसका मतलब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है और अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या कर रहे हैं हम कि भाई ए बी सी डी नाम की हमने बैरियल बना दी तो ये भी आपके लिए इजी होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा कि अगर हमें एक से ज्यादा बेरियल बनाने हैं तो हम से सेपरेट करके उनके नेम्स लिख सकते हैं तो ये भी सिंपल ही है कि यहाँ पे हमने चार वेरियल बना दी आप कितने भी बना सकते हो और अगर इस लाइन को देखें तो देखिए हमने यहाँ पे पहले क्या करा है वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद हम ए असाइन बी असाइन सी असाइन डी असाइन डी टेन ये कर रहे हैं राइट तो इसका मतलब क्या है कि जितने ये चार वेरिएबल हैं इन सब में टेन की वैल्यू असाइन हो जाएगी अब हम इस वाले को देखते हैं int a is equal, a assign, b assign, c assign, d assign, 10 यहाँ पे ये उड क्यों लिखा हुआ है ये बहुत ही बेसिक बड़े कॉन्सेप्ट -बड़े पढ़ लेते हैं लेकिन हम इन चीजों को अगर नहीं देखते तो हमें बाद में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे हम इसको भी अच्छे से समझते हैं कि ये अलाउड है बट ये अलाउड नहीं है ऐसा क्यों तो इसका सीधा सा बहुत ही प्यारा सा आंसर ये है कि यहाँ पे देखिए ये हमने दो लाइन लिखी है ये आपस में कनेक्टेड है इस इसका अलग क्या है कि पहले तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और डिक्लेयर करने के बाद हो सकता है हमने भले वैल्यू असाइन नहीं करी लेकिन इसमें गार्बेज वैल्यू तो होगी तो वेरिएबल तो डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी है ना और लेकिन यहाँ पे जब हम असाइन कर रहे हैं तो ठीक है टेन पहले डी में असाइन हो जाएगा फिर डी की वैल्यू जो भी है वो इस सी में आ जाएगी सी से बी में और ए में भी तो मतलब सब में टेन टेन वैल्यू स्टोर हो जाएगी पहले गारे वैल्यू हो सकती है लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगी टेन स्टोर लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं हम हमने इंट ए लिखा। इंट ए ए लिखा इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं राइट क्योंकि डिक्लेयर करते हैं तो हम डेटा टाइप लिखते हैं जब इनिशियलाइज करते हैं तो हमें डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती और ये कौन सा स्टेटमेंट था इनिशियलाइजेशन था है ना यहाँ पे हम केवल इनिशियलाइज कर रहे थे और ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट था तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर, कर रहे हैं और डिक्लेयर के साथ देखो अभी हमने बी लिखा तो बी क्या हमने अभी बी क्या हमने डिक्लेयर किया था जो हम इसको असाइन कर सकते हैं ये मैं नहीं किया ना इसीलिए ये अलाउड नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की इजी सा है ये भी बहुत अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल का नेम होता है फिर असाइनमेंट uh, ऑपरेटर लगा होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट right साइड में कुछ वेरिएबल हो सकते हैं और कांस्टेंट हो सकते हैं ये आपको थोड़ा सा अजीब सा दिख सकता है लेकिन दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ लेटेस्ट सी बुक सो बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड uh, करने की जरूरत नहीं है आप अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है क्या होता है एक वेरिएबल होता है वेरिएबल uh, नेम होता है कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे किसके लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल मतलब कि एक ऐसे करके असाइनमेंट ऑपरेटर है और लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल का नेम तो वेरिएबल का नेम मान लीजिए मैंने मान लिया ए ठीक है और यहाँ पे क्या कहता है कि एंड वेरिएबल नेम्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट मतलब इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट right साइड में क्या होगा वेरिएबल नेम्स होंगे और कांस्टेंट हो सकते हैं मतलब यहाँ पे मान लीजिए क्या हो सकता है कांस्टेंट हो सकते हैं जैसे टेन मान लो है ना और प्लस हो सकता है यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम है तो ए ही मान लो या बी मान लो आप अगर क्योंकि हमने उसको पहले डिक्लेयर किया है तो इस तरह से लिख सकते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और वेरिएबल्स पे भी बस वो पहले डिक्लेयर्ड होने चाहिए क्योंकि वेरिएबल का आपको पता है कि यूज करने से पहले हमें उनको डिक्लेयर करना जरूरी होता है तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे इंट नंबर इज इक्वल टू टेन प्लस फाइव यहाँ पे डेटा यह टाइप था इसको मतलब असाइन असाइनमेंट ऑपरेटर है और हम इसमें वैल्यू uh, क्या कर रहे हैं कॉन्स्टेंट है तो इस तरह से लिख सकते हैं फ्लोट मार्क्स यहाँ पे देखो टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फाइव इस तरह से हमने लिखा है अब बात करते हैं इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन की तो ये इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन के कुछ रील्स होते हैं तो रील्स को समझते हैं कि क्या रील्स हैं जस्ट आर थ्री रील्स ओनली तो बहुत ही इजी है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर हम कोई परफॉर्म करते हैं इंटीजर और इंटीजर के बीच में तो जो आंसर होता है वो हमेशा इंटीजर ही होता है अगर ऑपरेशन इंटीजर इंटीजर के बीच में परफॉर्म कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा इंटीजर ही होगा और अगर ऑपरेशन हम रियल और रियल के बीच में परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा आंसर कैसा होगा रियल होगा और अगर ऑपरेशन इंटीजर एंड रियल के बीच में होगा तो वहां पे आंसर हमेशा रियल होगा ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इंटीरियर इंटीरियर में इंटीरियर था रियल रियल में रियल था आंसर और अगर दोनों का मिक्स है तो फिर आंसर कैसा होगा रियल होगा तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि इस ऑपरेशन में क्या होता है जो इंटीरियर वैल्यू है वो पहले प्रमोटेड होती है रियल में अब ये प्रमोटर डिमोशन और प्रमोशन आग, स्लाइड्स में देखेंगे सो so जस्ट देखते रहिए वीडियो को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में सो so यहाँ पे देखिए फिर पहले क्या हो रहा है कि जो इंटीजर वेरिएबल है वो पहले प्रमोट हो रहा है प्रमोट हो रहा है किसमें रियल वेरिएबल में रियल टाइप में और उसके बाद उस जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है अब ऑपरेशन कैसा हुआ एक तो रियल था और जो इंटीरियर था वो भी प्रमोट हो गया रियल में तो रियल रियल का आंसर कैसा होता था रियल है ना अभी हमने यहाँ पे ही सेकंड वाले में देखा तो रिजल्ट कैसा हुआ रियल होगा ये ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कितनी आसान चीज है राइट चलो आगे बढ़ते हैं इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन अब ये कन्वर्जन क्या है इंटीजर एंड फ्लोट का तो इससे मतलब अभी हमने देखा कि इंटीजर इंटीजर को कर देते तो कैसे आंसर आ रहा था इंटीजर फ्लोट को कर देते मतलब रियल में मतलब फ्लोट डेसिमल नंबर है ना तो अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल जिससे कि जो डाउट है वो गायब हो जाएगा जितना भी अगर होता है तो, तो यहाँ पे आप देखिए ये फाइव और टू कैसी वैल्यूज है इंटीजर तो रिजल्ट कैसा आया टू ऑपरेशन हमने करा यहाँ पे इंटीजर का तो रिजल्ट आया इंटीजर है ना जीरो अगर हमने एक वैल्यू भी हमारी डेसिमल में आप वैल्यू भी, भी, भी कह सकते हैं आप तो जो हमें ओके यहाँ पे सब में देख लीजिए क्योंकि रियल रियल है तब तो आंसर रियल में मिलेगा ये तो हमने पढ़ाई रूल नंबर टू है ना और रूल नंबर वन क्या था इंटीजर इंटीजर होगा तो आंसर कैसा होगा इंटीजर होगा तो वो भी सही है और यहाँ पे अगर एक वेरिएबल भी अगर रियल है रियल इंटीजर होगा तो वहां पे आंसर हमारा रियल मिलेगा तो अब ये क्लियर हो गया होगा अब बात करते हैं टाइप टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरियबल uh, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल का टाइप है वो सेम ना हो तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो प्रमोट या डिमोट हो जाएगी किस पे किस आधार पर डिमोट या डिमोट या प्रमोट होगी कि जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड पर उसके आधार पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल का नेम होगा ऐसे तो होता है एक्सप्रेशन में तो जो आ, 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 हो सकता है वो सेम ना हो तो उसको अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो या तो प्रमोट हो जाएगी या डिमोट हो जाएगी कैसे किस बेस पे डिमोट होगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल का टाइप है उस पर तो यहाँ पे हमने देखो एग्जाम्पल भी लिया है कि यहाँ पे एक हमने वेरिएबल बनाया इंटर टाइप का नंबर और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया मार्क्स अगर हम नंबर में जो कि इंटीजर टाइप का है वैल्यू असाइन करें रहे एट्टी पॉइंट नाइन तो यहाँ पे क्या होगा इंटीजियर में तो डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकते ना लेकिन ये तो डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू कैसी हुआ? हमने क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसके बेस पर ये या तो प्रमोट हो जाएगी या डिमोट हो जाएगी तो 80.9 पॉइंट का क्या होगा आप ही बताइए यस डिमोशन होगा है ना क्योंकि इंटीजर है तो वैल्यू क्या होगी ये पॉइंट नाइन पार्ट हट जाएगा और केवल 80 स्टोर होगा और मार्क्स वाले की बात करें तो यहाँ पे हम नाइन स्टोर कर रहे हैं तो अब क्या होगा ये तो फ्लोट है तो यहाँ पे इसका प्रमोशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा नाइन्टी पॉइंट जीरो हालांकि नाइन्टी पॉइंट जीरो लिखो या नाइन्टी लिखो एक ही बात है बट जो रूल है वो रूल है बस मैंने आपको वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है तो अब देखते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेशन ये इस अगर इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माने तो मान सकते हैं कि हायरार्की क्या होती है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मतलब प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं बेसिकली प्रॉब्लम्स ही सब सॉल्व कर रहे होते हैं तो जब हम प्रोग्राम्स लिख रहे हो लिख रहे होंगे ना बहुत सारे प्रोग्राम्स जब हम लिख रहे होंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि अगर हमें इसका कॉन् पता नहीं है कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है तो हमारे आंसर्स में बहुत गड़बड़ होने वाली है तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ प्रेसिडेंस इन विच दी ऑपरेशन आर परफॉर्म इज कॉल्ड दी हायर ऑफ ऑपरेशन की ऑपरेशन की क्या प्रायोरिटी है क्या प्रेसिडेंस है जिसमें वो परफॉर्म हो रहे हैं उसको हम हायर ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने एक एक्सप्रेशन गिवेन है टू अब पे आ, क्या है कि दो ऑपरेटर दिए हुए हैं हमें तो जब एक से ज्यादा ऑपरेटर दिए होते हैं तो अब हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें एक नियम होना चाहिए जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लस पहले करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस पहले करेंगे तो टू प्लस थ्री कितना हो गया फाइव और फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव और अगर हम इनटू पहले करते हैं तो आंसर क्या आएगा सेवनटीन तो आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है मान लो दो फ्रेंड बैठे हुए हैं उनको ये एक्सप्लेन दे दी एक ने पहले एडिशन करा तो उसका आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव और एक ने पहले मल्टीप्लीकेशन करा तो उसका आंसर आ गया सेवनटीन आप बताओ तो इसीलिए एक कोई रूल होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंगली हम इसको परफॉर्म करेंगे तो इन ऑपरेटर्स की कुछ प्रायोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम इनको परफॉर्म करते हैं तो क्या प्रायोरिटी है वो यहाँ पे देख देखिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इन टू डिवीजन एंड मॉड्युलस ऑपरेटर यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा है मल्टीप्लिकेशन ये जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन है एंड देन ये डिवीजन है डिवीजन और जो लास्ट वाला है वो है हमारा स डिवीजन तो अभी हमने क्योंकि ऑपरेटर्स को कवर नहीं करा है बट आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से देखेंगे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं तो ये तो केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात होगी तो यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस दिया हुआ तो ये एडिशन सब ट्रक्शन इसकी प्रायोरिटी सेकेंड होती है मतलब अगर यहाँ पे ये असाइनमेंट है ये भी एक ऑपरेटर होता है ना अभी हम लिख रहे थे ना कि नंबर बराबर टेन ट्वेंट और जो भी हम एक्सप्रेशन लिख रहे थे नंबर बराबर टेन प्लस ट्वेंटी फाइव तो ये एक्सप्रेशन हो गई तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना तो इसकी प्रायोरिटी क्या होती है थर्ड नंबर पे आती है तो देखो अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की प्रेसिडेंस आपको समझ में आ गई कि क्या होती है प्रायोरिटी क्या होती है कि पहले कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे स्लाइड में देखें तो जो आंसर है सेवनटीन वो करेक्ट हुआ क्योंकि इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा थी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन की तो थ्री इंटू फाइव हम पहले करेंगे जैसे कि मैथ्स में हम करते थे ना बोध मास तो बस सेम ही है ना अब तो आपको समझ में होगा क्लियर तो आप बात करते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स की तो एसोसिएटिविटी क्या होती है ध्यान से देखते हैं इसको भी जब किसी एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर होते हैं इक्वल प्रायोरिटी की तो उनके बीच में जो टाई होता है उसको सेटल करने के लिए हम ऑपरेटर्स की एसोसिएटि So, का यूज़ करते हैं, है ना? जैसे अभी हमने जब लास्ट स्लाइड में देखा कि ये जो प्रायोरिटी है बन किस किस की मल्टीप्लीकेशन भी है डिविजन भी मॉड्यूल है इनकी प्रायोरिटी सेम है तो अब इस इस केस में क्या होगा जब आ, हमें ये प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि प्रायोरिटी तो सेम है तो हमें समझ में नहीं आ रहा किस किस वाले ऑपरेशन को हम पहले परफॉर्म करें मल्टीप्लिकेशन को भी पहले करें या डिवीजन को तो वहां पे यूज में आती है एसोसिएटिविटी तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज में या तो उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है मतलब लेफ्ट से राइट right में सॉल्व होते हैं या राइट टू लेफ्ट होती है तो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे पहली एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये डिवीजन ऑपरेटर है और ये मल्टीप्लीकेशन जिसकी प्रायोरिटी बनती है ना अभी हमने देखा उसमें जब हमने प्रेसिडेंस को पढ़ा था हायर आरकी ऑफ ऑपरेशन में तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इन दोनों की जब प्रायोरिटी सेम है तो अब हम आ, कहेंगे कि भाई किसको पहले परफॉर्म करें है ना एक डाउट तो है ही हमारे माइंड में अगर हम इन करते हैं तो क्या होगा आंसर फाइव इंटू टेन टेन को थ्री से डिवाइड थ्री को टेन से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा क्योंकि ये जो ऑपरेटर है वो हमें क्वेश्चन रिटर्न करता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा अगर इसको डिवीजन को पहले करेंगे हम तो वन इंटू फाइव तो इसका आंसर फाइव आएगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे जो कि क्या है एसोसिएटिविटी क्या है लेफ्ट टू राइट मतलब इन ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है मतलब अगर प्रायोरिटी तो सेम है लेकिन एसोसिएटिविटी क्या है कि पहले जो लेफ्ट में जो पहले ऑपरेटर होगा लेफ्ट में जो होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब पहले डिविजन होगा और बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा चलो दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं ये हमने जब हम डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो इंस्ट्रक्शन तब भी हमने देखा था इस तरह से कुछ लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या है आप समझते हैं ध्यान से कि प्रायोरिटी तो सेम है क्योंकि सेम ही ऑपरेटर है तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो सेम होगी अब कौन सा परफॉर्म पहले होगा तो एसोसिएटिविटी इसकी क्या होती है राइट टू लेफ्ट अब ध्यान से देखिए जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है और जबकि अगर हम इसकी बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर की तो वहां पे जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा और और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी एसोसिएटिविटी एंड प्रायोरिटी डिफरेंट होती है तो वो हम किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे जब हम ऑपरेटर्स को पढ़ रहे होंगे जब हमें और बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में सो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये हमें नाम से पता चल रहा है कंट्रोल कर रहे हैं ना कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है प्रोग्राम में बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन करते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है स्टेटमेंट का इंस्ट्रक्शन का या स्टेटमेंट का एक ही बात है तो वो किस किस ऑर्डर में हो रहा है पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है फिर कौन सा हो रहा फिर कौन सा हो रहा है ये कौन डिसाइड करता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन तो हम जब पढ़ें चलो पहले देख लेते हैं कि दो चार प्रकार के कंट्रो

पहले नंबर पे एग्जीक्यूट होगा दूसरे स्टेटमेंट दूसरे नंबर पे होगा थर्ड थर्ड पे फोर्थ इस तरह से सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो ये हो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेकेंड इज सेलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल यहाँ पे नाम से पता चला है कुछ डिसीजन लिया जा रहा है तो इसमें हम कंप्यूटर ये अलाउ करते हैं कंप्यूटर को कोई डिसीजन लेने में कि जैसे हम कहते हैं ना अगर बारिश होगी तो मैं घर रहूंगा स्कूल नहीं जाऊंगा तो कि क्या होगा पहले है ना कंडीशन कोई मैट होती है उसके बेस पर कोई डिसीजन लिया था और उस बेस पर कोई जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है तो डिसीजन कुछ लेने के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं ये डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अब थर्ड है रिपीटेशन नाम से पता चला रिपीट की कोई बात हो रही है तो ये क्या करते हैं कि किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एक्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करते हैं कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है हम थोड़ी ना कर दे दो सो स्टेटमेंट के ग्रुप को रिपीटेडली बार बार हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जाने, जैसे मान लो आ, हम इसका जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आएंगे जब हम उसमें डीप डेप करेंगे कई प्रकार के होते हैं तीन फॉर लूप हो गया वाइल हो गया डू वाइल हो गया तो अभी बस इतना देख लीजिए कि जो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जब हमें कोई स्टेटमेंट को, को रिपीटेडली करना होता है तो हम वहां पे लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं जिससे कि वो बार 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 एग्जीक्यूट हो सके जो स्टेटमेंट है अदर केस कंट्रोल ये भी जब हम स्विच केस पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा बस आपको अभी ये पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के होते हैं क्योंकि जो सेकंड चैप्टर था उसका नाम ही था सी इंस्ट्रक्शन ओके की प्रोग्राम क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम तो हमने अभी देखा कि प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं वो मेनली थ्री प्रकार के होते हैं और अभी हमने उनको देखा कि अभी और जो ये टाइप्स हैं इनको हम अदर चैप्टर में और अच्छे से कवर करेंगे इन टॉपिक्स को भी अच्छे से करेंगे लूप क्या होते हैं और ये इफेल्स डिसीजन लेने के लिए हम कैसे डिसीजन लेते हैं तो ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और ये है नोट्स कुछ जो कि हमने अभी पढ़ा है अपने इस चैप्टर में तो एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ा तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम जब प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा तो एसोसिएटिविटी कम्स इन टू पिक्चर एंड एसोसिएटिविटी या तो लेफ्ट राइट right होती है या राइट टू लेफ्ट होती है जैसे कि हमने यहाँ पे देख आ, लिखा हुआ भी है ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है राइट से लेफ्ट में एग्जीक्यूट होते हैं और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को सो आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो